नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ई लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कोड है EE303, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। इस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 3, अर्थिंग सिस्टम के टॉपिक टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम विच कैन बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम। फर्स्ट इज स्ट्रिप और वायर अर्थिंग सिस्टम, सेकेंड इज रोड अर्थिंग सिस्टम, थर्ड इज पाइप अर्थिंग सिस्टम एंड फोर्थ इज प्लेट अर्थिंग सिस्टम। फर्स्ट इज स्ट्रिप और वायर अर्थिंग सिस्टम। इसके बारे में हम पहले भी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम स्ट्रिप इलेक्ट्रोड आर यूज फॉर द अर्थिंग सिस्टम। सिमिलरली सेकेंड इज रोड अर्थिंग सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम सॉलिड रॉड्स ऑफ कॉपर और सॉलिड रॉड्स ऑफ गैलोनाइज्ड आयरन और स्टील और होलो GI पाइप्स आर यूज फॉर द अर्थिंग सिस्टम। एंड थर्ड इज पाइप अर्थिंग सिस्टम। इसके बारे में भी हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम सुटेबल फॉर सेम अर्थ एंड मॉइस्चर कंडीशंस। एंड दिस इज़ द लेआउट डायग्राम ऑफ पाइप अर्थिंग सिस्टम एंड वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ अर्थिंग सिस्टम। तो फोर्थ इज प्लेट टाइप अर्थिंग सिस्टम। So in this type of earthing system, earthing plate is used for the earthing system, and this is another a common system of earthing. In the plate earthing system, an earthing plate either of copper or galvanized iron or cast iron, उसको हम अर्थिंग प्लेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अर्थिंग प्लेट की होती है डायमेंशंस, उसके जो कॉपर की डायमेंशंस होती हैं वो 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3 mm की होती है। और गैलोनाइज्ड आयरन की जो प्लेट होती है उसका डायमेंशंस है 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6 mm। तो कॉपर की जो प्लेट हमने लगाई है उसकी थिकनेस कम होती है, और जो गैलोनाइज्ड आयरन की जो प्लेट हमने लगाई है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगेन द अर्थ प्लेट इज एम्बेडेड इन अल्टरनेट लेयर ऑफ कॉक एंड साल्ट फॉर ए मिनिमम थिकनेस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये जो प्लेट होती है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, उसको हम अर्थ के अंदर एम्बेडेड उसको लेयर्स के साथ में जो चौक की और साल्ट की जो चारकोल की जो लेयर्स बनाते हैं, जिसकी थिकनेस हमने 15 सेंटीमीटर रखी है, जो अल्टरनेट लेयर्स हम उसमें क्रिएट करते हैं उसके अंदर इसको हम प्लेस करते हैं। जो प्लेट होती है जो कॉपर की हो सकती है या फिर गैलोनाइज्ड आयरन की हो सकती है। जो जो अर्थ वायर है, द अर्थ वायर ऑफ जो GI वायर फॉर GI प्लेट अर्थिंग सिस्टम एंड कॉपर वायर फॉर कॉपर प्लेट अर्थिंग सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो अर्थ वायर होता है, अगर GI प्लेट अर्थिंग सिस्टम हमने लगाई है गैलोनाइज्ड आयरन प्लेट अर्थिंग, तो इसके लिए GI वायर हमने इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने कॉपर प्लेट अर्थिंग सिस्टम प्लेस किया हुआ तो उसके लिए हम कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। और ये इज सिक्योरली बोल्टेड टू एन अर्थ प्लेट विद द हेल्प ऑफ ए बोल्ट। जो अर्थ वायर है वो अर्थ प्लेट के साथ में एक बोल्ट के साथ और एक नट बोल्ट के साथ में इसको हम अटैच कर देते हैं, और जो इस जिसके थ्रू हम अर्थिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो इस जब द अर्थ वायर इज सिक्योर्ड बोल्टेड टू एन अर्थ प्लेट विद द हेल्प ऑफ ए बोल्ट नट एंड वाशर मेड ऑफ मेटेरियल ऑफ दैट ऑफ अर्थ प्लेट। कि जो अर्थ वायर और अर्थ प्लेट है वो हमारी कॉपर की होगी। अगर हमने कॉपर प्लेट को काम में लिया है तो कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर GI वायर काम में लिया है तो हमारा जो अर्थ वायर होगा वो गैलोनाइज्ड आयरन वायर होगा। सो जो अर्थ प्लेट है मेड ऑफ कॉपर इन केस ऑफ कॉपर प्लेट अर्थिंग एंड गैलोनाइज्ड आयरन इन केस ऑफ GI प्लेट अर्थिंग सिस्टम।
अगेन जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो इसकी जो प्लेसिंग होती है, आप देख सकते हैं कि इसकी प्लेसिंग हमने कैसे की हुई है। तो ए स्मॉल मैसनरी ब्रिक वॉल एनक्लोज्ड विथ ए कास्ट आयरन कवर ऑन टॉप ऑफ ए आरसीसी पाइप अराउंड द अर्थ प्लेट इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर कैरिंग आउट पीरियोडिकल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। एक जो सबसे ऊपर हमने एक इसके अंदर एक चैम्बर बनाया है, जो आरसीसी पाइप और उसके साथ में कास्ट आयरन का कवर लगाया हुआ है और जो ब्रिक्स ईंटों के साथ हमने बनाया है, इसके अंदर से हम पाइप को प्लेस करते हैं, प्लेट को हम प्लेस करते हैं, जो प्लेट अर्थिंग हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि द कॉपर प्लेट एंड कॉपर वायर आर यूजली नॉट एम्प्लॉयड टू ग्राउंडिंग पर्पजेज बिकॉज ऑफ देयर हायर कॉस्ट। तो जो इसमें हमने पहले भी बताया कि जो प्लेट और जो कॉपर मटेरियल इस्तेमाल किया है हमने प्लेट के लिए, उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर की कॉस्ट हाई होती है। उसके व्याप के हम इसके अंदर गैल्वनाइज्ड आयरन जीआई पाइप को ही जीआई प्लेट को ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो लिस्टिंग तैयार की है रिक्वायर्ड मटेरियल की, वो इस प्रकार है। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अर्थ वायर एंड अर्थ प्लेट। जो अर्थिंग सिस्टम प्लेट टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम के अंदर जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉपर अर्थ प्लेट। अगर हम कॉपर अर्थ प्लेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके डायमेंशंस हैं 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3 mm, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर प्लेट इज़ वेरी हाई, ये हमको पता है कि कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर। सो द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉपर अर्थ प्लेट इज़ 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 3 mm एंड इज़ हैविंग द हाई कंडक्टिविटी कॉपर प्लेट एंड इट्स फिटेड विद द कॉपर लक्स। तो इसके अंदर लक्स बोल्ट नट एंड वॉशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। द फिनिश्ड प्लेट सेल हैव रीजनेबल क्लीन एंड स्मूथ सरफेस एंड फ्री फ्रॉम स्क्रेचेस। तो ये जो फिनिश्ड जो प्लेट हम इसके इस्तेमाल करेंगे वो रीजनेबली क्लीन होगी, स्मूथ होगी उसकी सरफेस और उस पर किसी भी तरह के स्क्रेचेस नहीं होंगे। इस पर ब्लैक ऑक्साइड एंड एनी अदर डिफेक्ट भी नहीं होने चाहिए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दूसरा है इंस्पेक्शन फॉर जीआई अर्थ प्लेट। अगर हम कॉपर प्लेट के की जगह पर अगर हम जीआई प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार रहेगा 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6 mm, जो इसकी थिकनेस है वो कॉपर प्लेट के कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। एंड दिस जीआई प्लेट इज़ फिटेड विद द जीआई लक्स बोल्ट एंड नट एंड वॉशर्स। तो एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि जो भी जिस टाइप की प्लेट अर्थिंग हम काम में ले रहे हैं, जो मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी सेम मटेरियल के इसके अंदर लक्स नट बोल्ट्स एंड वॉशर्स इस्तेमाल होंगे। तो जीआई अर्थ प्लेट के लिए द फिनिश्ड प्लेट सेल हैव रीजनेबल क्लीन एंड स्मूथ, ये भी हमारी कॉपर प्लेट की तरह स्मूथ क्लीन होगी, स्मूथ सरफेस की होगी और ये फ्री फ्रॉम स्क्रेचेस होगी एंड इसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अर्थ वायर फॉर 50 HP, अगर 50 HP की कोई मोटर है तो उसके लिए हमें जो अर्थिंग दे रहे हैं उसके लिए SWG का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी जो ड्राउन बेयर कॉपर है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर अर्थ वायर जो इसके लिए इस्तेमाल होगा अगर 100 HP के लिए तो उसके लिए भी सेम 2 SWG वायर का इस्तेमाल होगा और बेयर कॉपर वायर का इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। कॉपर वायर जो स्ट्रिप होगी उसकी जो डायमेंशंस होगी 13 mm × 2.5 mm साइज़ का ये वायर इस्तेमाल किया जाएगा इसके अंदर। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द व्हाट इज़ द अर्थिंग सिस्टम एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो यूनिट नंबर थर्ड है E303 की, उसके अंदर यही दो टाइप की अर्थिंग दी हुई है, प्लेट अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग।
थैंक यू।